हेलो हेलो एवरीवन दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे द कैमरामैन दर्शन खरे ठीक है एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मुझे बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या फटाफट फ़ड़ कमेंट्स के अंदर क्या फटाफट फड़ बताइए मुझे क्या आपका ऑडियो और वीडियो क्लियर है स्ट्रीम मुझे एक बार क्लियर कीजिए फटाफट अच्छा फड़। बहुत बढ़िया मुझे सिर्फ एक मिनट देना तब तक मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ थोड़ा सा लेट हो गया हूं तो तब तक मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ एक मिनट देना मुझे सिर्फ ठीक है एक मिनट के लिए आप भी पानी वानी पीना है तो पी के आ जाओ फटाफट फड़। मुझे कुछ पेन वगैरह के सेल्स चेंज करने हैं Good morning everyone. <coughs> so everyone is ready I guess properly शुरू करते हैं कॉन्सोट्रेट करना अच्छे तरीके से गुड मॉर्निंग एवरी वन नियरली साठ लोग हैं online बहुत अच्छी बात है शानदार तूफान जबरदस्त जिंदाबाद सबसे पहले कल हमने क्या देखा था उसको आज हम रिवाइज करेंगे उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ठीक है सो लजगाक्र में हमने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट थिंग जो हमने यसर के लेक्चर के अंदर स्टार्ट की थी दैट इज प्रोसेस टू पास लॉ के बचे हुए स्टेप्स सो so, मुझे एक बार स्टेप्स फटाफट बताने हैं सब सबसे पहला स्टेप्स है ड्राफ्टिंग पहले तो बताओ कैटेगरी ऑफ लॉ कितने तो कैटेगरी ऑफ लॉ कितने तीन यूनियन स्टेट और कॉनकरेंट फिर उसके बाद में दूसरी चीज हमने देखी थी यूनियन और कॉन्करेंट लॉ पहले सेंट्रल प्रोसेस से पास होता है फिर कॉनकरेंट लॉ स्टेट प्रोसेस से पास होता है स्टेट लॉ भी स्टेट प्रोसेस से ही पास होता है ये तीन लॉज पास करने के लिए एक हमारे पास में प्रोसेस दी गई है जिसमें पहला सिर्फ है ड्राफ्टिंग दूसरा है इंट्रोडक्शन तीसरा है रीडिंग है कमेंट है और फिर पासिंग है की पब्लिक और उस चीज को फिल्टर करेंगे कौन स्टैंडिंग कमेटी फिर उसके बाद में आएगा पार्लियामेंट पार्लियामेंट के कितने हाउसेस है दो लोकसभा राज्यसभा हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल एंड जो आपका ये है स्टेट लेजिस्लेचर उसके कितने है दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्लियर है ये दोनों जगह पे पास होने के बाद में लोकसभा में कितने मेंबर्स कितने का में टू फोर फाइव जबरदस्त क्लियर है लोकसभा में फाइव फोर फाइव में से कौन सा चाहिए हमको टू सेवेंटी टू नंबर ऑफ वोट चाहिए राज्यसभा में टू फोर फाइव में से कितने हमको वोट चाहिए दैट इज वन ट्वेंटी थ्री वोट चाहिए क्लियर है कैंसप एनडीए का मतलब बीजेपी प्लस अलाइड पार्टीज यूपीए मतलब कांग्रेस मतलब और अलाइड पार्टीज फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना है और इधर गवर्नर का अप्रूवल लेना है फिर ऑफिशियल गैजेट में डेट एरिया और सेक्शन ये तीन चीजें डिक्लेयर करनी है जैसे मैंने के लिए बोला था 12 सितंबर 2013 से अप्लीकेबल होना शुरू हुआ था पूरे इंडिया में विथ नंबर ऑफ सेक्शंस कितना बोले एक बार 98 क्लियर है फिर प्रोसेस टू पास द लॉ हमने कर लिया था क्या बोले एक बार उसे कंप्लीट फिर उसके बाद में हम गए थे लोल पे लोल मतलब क्या सब बताइए मुझे एक बार लॉ ऑफ लैंड और लॉ ऑफ लैंड के अंदर कितने पैरामीटर्स थे चार पहला एक्ट जो पास होता है एक्ट के अंदर कोई कोई दिक्कत है तो आते हैं डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स नोटिफिकेशन इज अमेंडमेंट सर्कुलर इज अ एंड रूल्स इज अ प्रोसेस लॉ बनाती है गवर्निंग पार्टी एक्ट बनाती है गवर्निंग पार्टी रूल्स कौन बनाती है मुझे एक बार कमेंट्स में बताइए फटाफट रूल्स कौन बनाती है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको याद है फटाफट बताइए रूल्स कौन बनाती है मुझे एक बार बताना कंपनीज एक्ट किसने बनाया था और चला कौन रहा है कमेंट्स के अंदर मुझे इस चीज का आंसर चाहिए फटाफट बताइए रूल्स कौन बनाता है बच्चा तो कोई नहीं बोल रहा <laughs> हाँ रूलिंग पार्टी आ गया रोने लग गया था मैं अभी सवेरे सवेरे आप रुला देते थे मेरे को जिंदगी में याद रखना ठीक है रूल बनाती है बेटा रूलिंग पार्टी और लॉक ऑन बनाती है गवर्निंग पार्टी शानदार कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको जबरदस्त जितने लोगों ने आंसर दिया बहुत बहुत बधाई तुम्हारे बच्चे जी तुम्हारा खून पिए ठीक है यह चीज को अच्छे तरीके से याद रखना एक चीज नहीं बच्चे जी खून पिए नहीं सॉरी कैसे कैसे फ्लू फ्लो में निकल जाता है प्यार तुम्हारे लिए तो फ्लो फ्लो में निकल जाता है ठीक है लज्का यह चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे और अगली चीज हमने देखी थी कि भैया नोटिफिकेशन सर्कुलर इसमें रूल्स बनाती है रूलिंग पार्टी एक और चीज होती है है अगर कोई लॉ बनाना है, पर पार्लियामेंट के सेशन अवेलेबल नहीं है एक और लॉ होता है कि लॉ बनाना है पर पार्लियामेंट के सेशन से अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में हम सिर्फ प्रेसिडेंट से लॉ पास करवा लेते हैं उसे क्या कहते हैं एक बार मुझे कमेंट में बताइए फटाफट शानदार बिटाराम दो हजार में कांग्रेस ने बनाया था कंपनीज एक्ट और बीजेपी रूलिंग पार्टी है ओके okay, प्रेसिडेंट ने अगर पास किया है पार्लियामेंट ने पास नहीं किया ऑर्डिनेंसू फान जबरदस्त जिंदाबाद एक नंबर जबरदस्त ये 123 आर्टिकल क्यों बोल रहे हैं राहुल माहिर माहेश्वरी

चौबीस शानदार ट्वेंटी फोर हाईकोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक होता है एक ही होता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चौबीस पच्चीस नहीं होते सिंपल वन सुप्रीम कोर्ट और वो भी कहां पे है दिल्ली ये चीज होने के बारे में अगली चीज हमने देखी थी कि भैया ई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं बनती तो हम जाते हैं कहां पे कस्टम्स में कस्टम मतलब जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किए हुए प्रिंसिपल्स है जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था ए वाला कि ए को ए ही क्यों कहेंगे ओ क्यों नहीं कहेंगे क्लियर है कंसेप्ट तो इतनी चीजें कल हमने कंप्लीट की थी और मैंने आपको कल बताया था आज थोड़ा बहुत और बेसिक हम देखेंगे और उसके बाद में हम एंटर करेंगे ला में ला 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 ठीक है सो आर यू रेडी हज द जोश द जोश शानदार लेट्स गो फाइनल में क्यों आ गए हम दस पंद्रह लेक्चर्स अपलोड होंगे बेटा शिवम सौ लोग ऑनलाइन है तूफान जबरदस्त जिंदाबाद कल का एक कंटेंट कंप्लीट हुआ क्या मुझे एक बार वो देखने दीजिए बच्चों जम्मू कश्मीर हो गया चलो बहुत बढ़िया तो ये पीपीटी का तो कंटेंट हो ही गया खत्म आज दूसरों पीपीटी खोलेंगे अपन जबरदस्त 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 जिंदाबाद हाँ भैया आज के डिस्कशन कतई जहर डिस्कशन है आज के एकदम आज अपन कंपनी छुएंगे कंपनी छुएंगे याद रखना ठीक है आज जाइए चीचा आ जाइए आज मैं आपके सामने रुको 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 नवंबर 21 के लिए पेनड्राइव ले सकते हैं बड़ा बिंदास ले सकते हैं हाँ प्रोवाइडेड फर्स्ट लेक्चर अगर आप देखो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है 10 सितंबर का अमेंडमेंट लेक्चर आपको एक देखना पड़ेगा दीपेश चीज को याद रखना आज हम नियरली कंपनीज एक्ट शुरू करने के पहले सबसे पहली चीज करने वाले हैं चीज पूछो कौन सी कौन सी पूछो जोर से पूछो कौन सी आज हम जो चीज करने वाले हैं वो है लॉ के कंटेंट्स को देखना तुम बचपन में शिपीटी में फाउंडेशन शीपीटी फाउंडेशन के अंदर तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया शेल ऑफ पढ़ लिया पार्टनरशिप पढ़ लिया पूरे लॉ खत्म हो गए पर तुम्हें लॉ का कंटेंट नहीं पता होगा यही तो वही सब गलतियां तुम्हें सुधार रहा हूं इंटर पे आके कि जिन जिन हाँ फाउंडेशन में मेरे से पढ़ा होगा तो बात अलग है उनको कुछ चीजें पता होगी इसमें से ऑलरेडी लेकिन जो मुझसे ना पढ़े उन्होंने कुछ चीजें नहीं पढ़ी होगी उसको मुझे बिल्टअप देना पड़ेगा तो अभी का जो पहला पार्ट में अभी भी ले रहा हूं और वो है कंटेंट्स ऑफ द लॉ कंटेंट ऑफ द लॉ मतलब जो भी लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसके कितने नंबर ऑफ कंटेंट होते हैं उसको आज हम देखेंगे ठीक है पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए बच्चों पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे करना सुनने की इच्छा है बताओ जल्दी फटाफट फड़ कमेंट में मेरे को कंटेंट ऑफ लॉ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट एफ सी फाइनल तक के काम में आएगा फटाफट फड़ बताओ सुनना है नहीं सुनना है गो कंटेंट ऑफ लॉ आ जाइए आज तुम मेरे हैंडराइटिंग भी देख लोगे कैसे लिखता हूं मैं शानदार इतने दिनों से शायद लिख कम रहा था ठीक है चलो बहुत शानदार अब बड़े अच्छे से देना काफी टेक्निकल डिस्कशन है खुद को जगाए रखना पड़ेगा ठीक है भूख लगी कुछ खाना मत सब छोड़ देना जिंदगी में उंडी उंडी झटना स्ट्रेट बैठना बाकी सब मोहम आया है ठीक है यही जिंदगी का साया है लजगा सो so, आज हम देखने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ द लॉ कंटेंट्स ऑफ द लॉ लॉ में कितने पार्ट्स होते हैं इसको एक और नाम से आप जान सकते हो दट इज पार्ट ऑफ द लॉ पार्ट ऑफ लॉ किसी भी एक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं क्लियर है यह आपको जानने में बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप कोई लॉ पढ़ोगे तो उसको कितने सारे पार्ट में डिवाइड करना है वो जरूरी होता है कंसेप्ट समझ में आए आपने कभी देखा माचिस की डिब्बी आती है माचिस की डिब्बी अगर आप देखो तो माचिस का एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है उसके अंदर छोटे 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 कट्टे होते हैं जिसको कट्टा कहा जाता है जिस हरेक कट्टे में बारह बारह डिब्बिया होती है लॉ का स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा ही है जिसको आज हम थोड़ा सा खोल के देखेंगे कि किस तरीके से हमको इसको समझना है। एक करना। तो इस कंटेंट को आज हम खोल के देखेंगे कंटेंट ऑफ लॉ के अंदर हमको सबसे पहली चीज जो करनी है और जो समझनी है उसको हम कहते हैं एक मस्त मल्टीकलर चार्ट बनेगा आपके सामने जानबूझ के आपके सामने बना रहा हूं सो दैट आपको पता चले मेरे पास ऑलरेडी बिल्ट अप है पर जानबूझ के बना रहा हूं सो दैट स्लो स्लो जाएंगे अच्छे से जाएंगे समझेंगे सबसे पहले कोई भी लॉ पढ़ने के पहले बहुत मायने रखती है उसकी हिस्ट्री आपको तो याद ही होगा सिचुएशन डिमांड्स द लॉ लेक्चर नंबर वन जिन्होंने लेक्चर नंबर वन नहीं देखा होगा उन्होंने लेक्चर वन वापस देखना चाहिए सिचुएशन डिमांड्स द लॉ आपको हिस्ट्री से समझ में आता है कि कौन सा सिचुएशन था जिस सिचुएशन में बच्चों लॉ को बनाया गया ऐसा कौन सा रीजन था जिस रीजन के वजह से लॉ बनाया गया ऐसे कौन सी सेफ्टी थी जो सेफ्टी पब्लिक को देना था ऐसा कौन सा बेनिफिट था जो बेनिफिट पब्लिक को देना था मतलब ऑल एंड ऑल इस लॉ का पर्पस क्या है -E, इस लॉ तो आप भोपाल गैस प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट समझ सकते थे इमेजिन करो आपको टेररिज्म के बारे में पता ही नहीं तो क्या आप टेररिस्ट एक्ट समझ पाओगे बिल्कुल नहीं समझ पाओगे पॉसिबल ही नहीं है क्लियर इसलिए हिस्ट्री इज अ प्राइम इंपॉर्टेंट So, सबसे पहला पैरामीटर क्या है हिस्ट्री कमेंट में सबने लिखना है तुम सबको तुम्हारे वाले या वाली की कसम नहीं लिखा तो तुम्हारा वाला या वाली जो तुम्हारे लिए पैदा हुआ है जिंदगी में तुम्हें कभी मिलेगा नहीं ठीक है ये चीज को याद रखना कमेंट में सब लिखेंगे पहला पैरामीटर कौन सा है हिस्ट्री लाइव क्लास में बुलवा लेता हूं फेस टू फेस में बच्चों से मार मार के बुलवा लेता हूं पर यहां तुम्हें कैसे मारू हालांकि तुमको मार भी नहीं सकता मैं तुम खतरनाक लोग हो, तो मेरे को ही मारने आ जाओगे जिंदगी के अंदर तो मेरी तो फट्टी है भाई तो इन सब मैं मार तो नहीं सकता पर तुम कमेंट में लिख तो सकते हो टीचर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुमको लिखो सो तो सबसे पहला पैरामीटर कौन सा हिस्ट्री तूफान जबरदस्त जिंदाबाद अच्छा तुम्हारे वाले वाली की कसम नहीं दी देखो कितने आ रहे जिंदगी में इतना तड़प रहे हो प्यार के लिए तड़पता है प्यार के लिए इस प्यार पर से मेरे को एक जोक याद आया सवेरे सवेरे का माहौल मस्त एक जोक ठीक है <laughs> मैं गया एक दिन मंदिर में अपन थे भैया सीए कर रहे थे जिंदगी में सब सीए के लोगों की ना ऐसी ही जिंदगी ऐसी ही होती है ठीक है और मैं गया भैया मंदिर मंदिर में मंदिर था भैया शिवजी का शिवजी के अपन भक्त थे तो अपन गए शिवजी के मंदिर में भोलेनाथ के मंदिर में और मैंने क्या किया मंदिर में गया था सिंगल था कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं जिंदगी में मैं बोला यार कोई एक्साइटिंग चीज हो जाए सीए इंटर पास हो चुका था सीए इंटर के पहले नहीं आर्टिकलशिप चल रही थी मैं बोला आर्टिकलशिप में गर्लफ्रेंड

और मैंने हाथ जोड़ के भगवान के सामने मन्नत मांगी कि भैया कोई गर्लफ्रेंड पटा दे मैंने देखा कि भगवान

समझ में आ रहा है सबको हा है ना मतलब भगवान को भी मालूम है कि सीए के बच्चों को गर्लफ्रेंड पटा के कोई फायदा है नहीं जिंदगी में समझ में आ रहा है दो सौ रुपए भगवान ने वापस दे दिया बोले डबल रिटर्न हंड्रेड परसेंट रिटर्न ले ली चार्ट अकाउंटें हंड्रेड परसेंट रिटर्न ले ले लेकिन तेरा रिलेशन नहीं बन सकता बन भी जाएगा तो भी बिगड़ जाएगा तो ऐसी हालत है तुम्हारी जिंदगी में समझ में आ रहा है तो ये जितना भी अभी तुम्हारे प्यार वाले मैटर है सब साइड में रखना है यहाँ मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए क्लियर है कंसेप्ट सबको हा है ना ठीक है जो जिस जिसको बुरा लगा होगा मुझको अपना देश पसंद है बीबी को बेस पसंद है आगे बढ़ते हैं कॉन्सनट्रेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना ये चीज होने के बाद में तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है तुम ट्राई करके देखो मंदिर जाओगे ना वहां हजार की पत्ते डालना डबल रिटर्न मिलेगा भगवान दो हजार को सकता कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ ना चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सनट्रेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना रेडी लेट्स गो सो हिस्ट्री हो गया पहला सिचुएशन हिस्ट्री के बाद में दूसरा सिचुएशन है प्रियम बल को अगर आप हिंदी में सुनो हिंदी में कोई भी बुक अगर आप खोल के देखो कोई भी बुक खोल के देखो एनी डैम बुक आप अगर खोल के देखते हो तो हाँ एक तो इंट्रोडक्शन होता है प्रियम्बल को आप एक और नाम से जान सकते हो जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना हे hey भगवान फिर पेन बन जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना प्रस्तावना अपन भैया हिंदी मीडियम से थे मराठी मीडियम से थे तो अपने को कैसे पता चलेगा क्लियर आंसर एकदम रिलेट हो गया सबको देखो कैसे जिंदगी में हंसी चेहरे हंसी आई है मुस्कान आई है चेहरे पे ठीक है लेट्स गो सो बल मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ या प्रस्तावना इसके अंदर जो चीजें लिखी होती है ना बेटा चीजें वो कौन कौन सी सो so, इसके अंदर बेटा तीन चीजें लिखी होती है पेन आज धोखा दे रहा है आज फिर हाँ सो so, इसके अंदर बच्चों तीन चीजें होती है पूछो कौन सी जोर से पूछना कौन सी एस ई एस e ई सी e नालायक हो तुम जो सोच रहे हो वो नहीं कतई नालायक लोग है कतई बेकार लोग जिंदगी के अंदर हराम खोरो अच्छे से ध्यान देना S E. सी बोल रहा हूं मैं ठीक है सो प्रियम्बल के अंदर तीन चीजें होती है एस ई सी अब एस से प्रियम्बल में आता है स्कोप ऑफ लॉ ठीक है ई से आता है एक्सटेंट ऑफ लॉ और सी से आता है कमेंसमेंट ऑफ लॉ स्कोप एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एसई सी कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हा ना स्कोप मतलब ये लॉ किस तरीके से अप्लीकेबल होगा क्या स्कोप है क्या नेचर है कहां अप्लीकेबल होगा किस तरीके से स्कोप मतलब आप ऐसा सकते हो ब्रॉडर पर्पज ब्रॉडर पर्पज ठीक है मतलब एक टारगेट है भोपाल गैस में भोपाल गैस के विक्टिम्स को भैया देना टारगेट था पर ब्रॉडर क्या है कि भैया ऐसा हादसा वापस कहीं होना नहीं चाहिए दूसरा है एक्सटेंट एक्सटेंड मतलब दो टाइप के बच्चों एक्सटेंड होते हैं ये आपको डिटेल में इतने डिटेल में कोई नहीं बोलेगा बड़े अच्छे से ध्यान देना कहीं और ये मिलने नहीं वाला मैं चार पांच लेक्चर सिर्फ बेसिक के ले रहा हूं तुम्हारे लॉ का बेस बनाने के लिए क्लियर है कैंसर क्योंकि बेबी को बेस पसंद है यह चीज को याद रखना सो so एक्सटेंट में दो आते हैं बच्चों एक्सटेंट में दो आते हैं एक आता है जियोग्राफिकल एक्सटेंट जियोग्राफिकल एक्सटेंट और दूसरा जो एक्सटेंट आता है बेटा वो होता है अप्लीकेबिलिटी एक्सटेंट सर व्हाट इज ज्योग्राफिकल एक्सटेंट व्हाट इज एप्लीकेबल एक्सटेंट बच्चों जियोग्राफिकल एक्सटेंट मतलब ये लॉ पूरे इंडिया में किस किस को लगेगा जैसे कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया में सबको अप्लीकेबल होता है तो यहां पे मैं थोड़ा सा स्पेस सेव करने की कोशिश करता हूं दो मिनट के लिए थोड़ा सा ये कर लेना ज्योग्राफिकल एक्सटेंट तो कंपनीज एक्ट पूरे इंडिया में अपलीकेबल है इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ जोग्राफिकल एक्सटेंट वही बोलो जुबा केसरी वाला जो गुटखे वाला लॉ है सिर्फ महाराष्ट्र में एक्सटेंड होता है वो हो गया ज्यो्राफिकल एक्सटेंट ऑफ गुटा प्रोहिबिशन वाला Concept. और दूसरा जो लॉ दूसरा जो एक्सटेंट होता है वो होता है अपलीकेबिलिटी एक्सटेंट व्हाट इज अपेबिलिटी एक्सटेंट मतलब ये टाइप ऑफ को होगा कौन से टाइप ऑफ पर्सन को होगा कौन से ऐसे पर्सन है जिनको अपलीकेबल होगा क्या ये अपलीकेबल होगा कंपनी को क्या फर्म को अपलीकेबल होगा विजय सर ने ये चीज आपको ऑलरेडी बोली होगी विजय सर ने ऑलरेडी बोला होगा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आपको शायद पता हो तो, तो भैया सबसे पहले इंडिविजुअल फिर कौन आता है एचयूएफ फिर कौन आता है फर्म हाथ आ गए ना तो फर्म फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल लोकल अथॉरिटी म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन और एनी ऑफ द पर्सन और ब्रांच और ऑफिस और एजेंसी ऑफ द है कंसेप्ट तो ये टाइप ऑफ पर्सन में किसको लगेगा क्या ये लॉ प्राइवेट कंपनी को लगेगा पब्लिक कंपनी को लगेगा एलएलपी को, को लगेगा किसको लगेगा चीज अप्लीकेबल में लिखी जाती है क्लियर है तो एक्सटेंड कितने टाइप के होते हैं दो ज्योग्राफिकल एंड अपलीकेबिली एक्सटेंड एक्सटेंड मतलब टाइप ऑफ पर्सन जिनको ये लॉ लॉलीकेबल हो सकता है क्लियर है सो so स्कोप मतलब ब्रॉडर पर्प एक्सटेंड मतलब जियोग्राफिकल एक्सटेंड और अपलीकेबल टू टाइप ऑफ पर्सन और तीसरा आता है कमेंसमेंट वॉट डू यू मीन माई कमेंसमेंट बच्चों कौन सी ऐसी डेट है कौन सी ऐसी डेट है जिस दिन से ये लॉ अपलीकेबल होना शुरू हो जाएगा ज द डेट जिस दिन से लॉ अपीकेबल होना शुरू होगा अब मैं आपको खास बात बोलू यही मैं आपको बोल देता हूं बच्चों कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट का Companies Act 2013 का 2013 अगर कागजाम्पल बोलूंगा ना वैसे भी हमको यही देखना है इसका हिस्ट्री वगैरह देखना है तो इसी का दे देता हूं लाइव जो पढ़ना है उसी को बढ़ना है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान देना कंपनीज एक्ट अपल कैसे हुआ डेट वाइज में तीन डेट आपको बोलता हूं पहला डेट था बारह सेप्टेबर दो हजार तेरह डेट मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था दूसरा डेट था एक अप्रैल 2014 ये डेट मैंने आपको अभी तक नहीं बोला आज बोल रहा हूं और तीसरा था 2015 में कुछ जून से लेके सितंबर तक के मंथ पूरे मंथ ही थे जिसमें अपलीके आया था अब मैं आपको खास बात बोलू बड़े अच्छे से ध्यान देना बड़े अच्छे से मैं आपको प्रियम्बल बोल रहा हूं किस तरीके से अप्लीकेबल हो रहा है कंपनीज एक्ट में मैंने आपको बताया था सबको बताया था मुझे एक सवाल का जवाब देना कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे भुलक कर लोगों बताओ कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने थे मैंने नंबर कितना बताया था कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन का फटाफट बताइए सुनना है मेरे को? 98 नहीं फोर सेवनटी शानदार 470 सेवनटी मैं नाइनटी एट कल के लेक्चर में बोले थे 98 अप्लिकेबल हुए लेकिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने में मेंशन किया था कंपनीज एक्ट में कंपनी सेक्शन है तूफान जबरदस्त जिंदाबाद जिन लोगों ने 470 लिखा है जबरदस्त सो कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है बच्चों तूफान यश ऋषि चिन्मय चिन्मय नहीं हर्षिता उमंग उसके बाद में करण श्रीनिवास रजनी सबका बराबर है टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है 470 तेजस सुरभि ईशा सो सत्तर सेक्शन में से बारह सितंबर दो हजार तेरह को पूरे इंडिया में जो सेक्शन एप्लीकेबल हुए वो थे सिर्फ नाइनटी एट चार सौ सत्तर में से सिर्फ 98 एट हुए थे फिर 1 अप्रैल 2014 को 470 सेक्शंस में से वन एटी कितने एप्लीकेबल हुए 183 सेक्शन मतलब अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 1 अप्रैल 2014 तक एप्लीकेबल हो गए थे नियरली 281 एटी वन सेक्शन टू मतलब 280 ही पकड़ते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस जो अप्लीकेबल हुए थे उसके बाद में जो नंबर ऑफ सेक्शंस बचे नियरली 190 नाइनटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वन नाइनटी सेक्शन बचेंगे बराबर है सो 190 के आसपास रफली जितने भी सेक्शन बचे वो सब के सब अप्ली हुए हैं 2015 जून से लेकर सितंबर मंथ में कंपनीज एक्ट तीन फेजेस में अप्लीकेबल किया गया था दिस वाज अ फेज वन दिस वाज अ फेज टू एंड दिस वाज अ फेज थ्री क्लियर है आंसर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इसे कहते हैं कमेंसमेंट कमेंसमेंट का मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया किस तरीके से लॉ कमेंस होता है आइडिया क्लियर है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं जोर से बोलो ये yes सुनना no. अब मैं चाहूंगा कि ये चीज को आपको बच्चों अपलीकेबल करना है 189, 189 190 के आसपास रफली मतलब सेक्शंस हो जाएंगे अब चीज को आपको कॉपी करना है अब आप इसको कॉपी कैसे करोगे ये भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दू मैं रजिस्टर खुद ही लेता हूं आपको लिखने के लिए समय मिलेगा जस्ट वेट फॉर इट कॉपी कैसे करना है मैं बोलता हूं रजिस्टर के दो ज्वाइंट पेजेस लेने ये आपका रजिस्टर है इसके दो ज्वाइंट पेजेस लेने हैं और यह पूरा चार्ट ऐसा लंबा आएगा यहां पे अब जो मैंने लिखा है हिस्ट्री ये पहले इधर लिखना फिर उसके बाद में ऐसे लिखना फिर बहुत सारे ऐसे फैक्टर आएंगे ये ये पूरा चार्ट आपका यूटिलाइज होगा कहीं अगर इधर की पूरी जगह खत्म हो गई तो नीचे थोड़ी सी ब्लैंक जगह जो बचेगी उसके अंदर आप लिख सकते हो पर एक पूरे व्यू में आपका एक लंबा चौड़ा चार्ट बनेगा फॉर द पर्पज ऑफ कंटेंट्स ऑफ लॉ का ठीक है चलो इसको कॉपी करना शुरू करो फटाफट गो फॉर इट फास्ट मैं समय दे रहा हूं लिखने के लिए दो मिनट के अंदर इसको कॉपी कर लेना गो फॉर इट फास्ट समझ में आ रहा है क्या मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइएगा नहीं तो मैं सस्पेंस में ही मर जाऊंगा समझ में आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त चलो फटाफट -फड़ लिखिए लाइफ ऐसी हो गई है मस्त एक सरप्राइज दिखाओ आपको जिंदगी में ये देखिए पानी पीने के लिए हम बाहर जाते हैं तो हमारे जो चिरंजीव है वो आ जाते हैं सामने कौन है निले कौन है शो तो कौन है मेरे को लेके चलो मेरे को लेके चलो झला तो बाबा लेक्चर गए चाहे बेटा हाई करूं टाक हेलो हाय वो फिलहाल नींद से उठा है तो थोड़ा सा शौक में क्या कर रहे पप्पा ऐसे टीवी स्क्रीन के ऊपर सोच रहा है चलो फटाफट लिखिए लड़किया लड़किया तो, तो लगे सो क्यूट तेरे तुला क्यूट मंडा दे तेरे पापा का चेहरा देख पत्थर जैसे दिखता है तेरे को सब क्यूट बोलते चलो लिखो फटाफट फटाफट एक मिनट में वापस आ रहे हैं हम कंप्लीट करो इसको سلام सो so, नीले भी सबको हाय बोल रहा हैं आजकल के बच्चे इतने शातिर हो गए हैं बाहर गया उसने पकड़ लिया मेरे को पैर वेर पकड़ लिया बोले मेरे को अंदर ही आना है देखना है क्या कर रहे तुम अभी बाहर रो रहा है तुमको आवाज भी आ रही होगी रोने की <laughs> चलो डन लिखना हो गया नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताइए बच्चों बोलता नहीं है अभी बेटा अनुज वो बहुत छोटा है अभी तो सवा साल का ही हुआ है और निलय का बर्थडे डेट भी बहुत भारी है निलय का बर्थडे डेट है दो अक्टूबर दो अक्टूबर गांधी जयंती लाल बहादुर गांधी जयंती नहीं लाल बहादुर शास्त्री जयंती और उस दिन ड्राइडे भी होता है <laughs> चलो स्टिल राइटिंग लिखो लिखो फटाफट इसके बाद दो अक्टूबर में पूरे देश में हमारे तरफ से पार्टी एस <laughs> में शॉर्ट टाइटल होता है हां यह भी एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दू कई सारे लोग या कई सारी सिचुएशन में आपने सुना होगा एस का मतलब शॉर्ट टाइटल होता है और एक्चुअली शॉर्ट टाइटल जो चीज है मैं आपको फ्रेंकली बोलू तो शॉर्ट टाइटल मतलब नेम ऑफ एक्ट होता है मतलब अगर आपके नाम कंपनीज एक्ट का नाम है द कंपनी दो हजार तेरह तो ये इसको भी वो शॉर्ट टाइटल बोलते हैं फेमा का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तो उसको भी शॉर्ट टाइटल ही बोलते हैं एक सी ए फाइनल पे आपको लॉ आएगा सर्फेसिया सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट नाम लेते लेते दिन खत्म हो जाता है उस, उसको भी ये शॉर्ट टाइटल ही बोलते हैं तो शॉर्ट टाइटल लॉजिकली मेरे को अंडरस्टैंडिंग के बाहर है तो मैं वैसी चीजें पढ़ाता भी नहीं जो आपके लॉजिक के अंदर बैठे भी ना क्लियर है पर बहुत सारे लोग ऐसे शॉर्ट टाइटल बनाते हैं बट इट्स राधर बेटर कि मैंने जो आपको डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से ही चलिए नालायक प्रियांशु अभी से सोच लो उसको बिगाड़ने का लिखना होने के बाद बोल देना प्लीज बर्थडे पार्टी खराब हो गया बोले उसका दो अक्टूबर को बर्थडे हुआ है तो कैसे लोग चलो ये हो गया सबका आई होप सो लिख हो गया होगा हो नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए फटाफट आगे बढ़ना जरूरी है इतना समय हम देना पाएंगे चलो बहुत बढ़िया अब आ जाओ दो फैक्टर हमारे हो गए हिस्ट्री और प्रीएम्बल हिस्ट्री और प्रीएम्बल फैक्टर होने के बाद में मैं थर्ड फैक्टर के ऊपर जम कर रहा हूं बच्चों मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यह फैक्टर आपके दिमाग में जहन में बैठना चाहिए फाइनल लेवल पे भी पढ़ाना पड़ता है इस चीज को ठीक है मतलब फाइनल के बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं उनको भी पढ़ाना पड़ता है प्लीज कृपया अगर आप फाइनल के फाइनल के वक्त मेरे पास आओगे तो इन चीज को समझ के आना इसके ऊपर ज्यादा समय हाँ ना दे पाएंगे फाइनल का कोर्स ही समंदर जता है सो so, अभी मैं जा रहा हूं थर्ड फैक्टर के ऊपर और थर्ड फैक्टर का बच्चों नाम है डेफिनेशन 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 तो आपने पढ़ी होगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा तो टू सबसेक्शन नंबर ए ऑफर टू बी एक्सेप्टेंस टू सी प्रोमिस और सी पर प्रोमिस प्रोमिस टू डी कंसीडरेशन कंसिडरेशन टू ई एग्रीमेंट टू एफ पता नहीं टू जी इीगल कॉन्ट्रैक्ट टू एच कॉन्ट्रैक्ट टू आई वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट टू जे देखे थे सब डेफिनेशन बोलो ये सो न सो so ये जो डेफिनेशन से आपने कॉन्ट्रैक्ट के देखे वैसे ही डेफिनेशन हर एक एक्ट में होते हैं डेफिनेशन मतलब क्या द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज इन लॉ इसे हम कहते हैं डेफिनेशन नॉर्मली इन डेफिनेशंस को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है दो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं इसके अंदर सिलेबस की भी बात करूंगा मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो बहुत काम की चीज दे रहा हूं बच्चों डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एक कॉमन वर्ड्स कॉमन वर्ड्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स एक होते हैं कॉमन वर्ड्स और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स कॉमन वर्ड्स मतलब क्या कॉमन वर्ड्स मतलब डे का मीनिंग क्या है वीक का मीनिंग क्या है मंथ का मीनिंग क्या है डिस्टेंस का मीनिंग क्या है टाइम का मीनिंग क्या है

समझो मैं लॉ फॉलो कर रहा हूं और किसी ने बोला कि एक दिन में इसको फाइल करना है या तीस दिन में इसको फाइल करना है थर्टी में फाइल कर दो मैं बोलूंगा डे 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 कौन सा मेरे मेरे हिसाब हिसाब से से का 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 मतलब है का का मतलब है है मंगल ग्रह के ऊपर जितने घंटों का दिन बनता है वो दिन तो डे दे का डेफिनेशन लिखा कहां है ये कॉमन टर्म है किसी ने मेरे को बोला दर्शन तेरे को ना पांच किलोमीटर तक के जाना है अब मैं बोलूंगा यार किलोमीटर आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से एक किलोमीटर में चार हजार मीटर आते हैं लेकिन ये कहीं लिखा हुआ होना चाहिए नहीं तो हर एक बंदा खुद का डे का मीनिंग खुद का वीक का मीनिंग खुद का मंथ का मीनिंग लेके घूमेगा जो सही नहीं है तो ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं ऐसे जितने भी कॉमन वर्ड्स होते हैं जो डे टू डे में यूज किए जाते हैं इन सब का डेफिनेशन सभी लॉज के लिए फॉर ऑल लॉज फॉर ऑल लॉज इसका डेफिनेशन दिया जाता है हमारे सिलेबस में एक एक्ट है उसका नाम है द जनरल क्लॉजेस एक्ट जनरल क्लॉजेस एक्ट जनरल मतलब कॉमन कॉमन वर्ड क्लॉजेस मतलब वर्ड्स या फिर टर्म्स जनरल क्लॉजेस एक्ट करके हमारे सिलेबस में एक लॉ है अदर लॉस के अंदर जिसके अंदर हम ये सब कॉमन वर्ड का मतलब इतना लॉ है उसके अंदर आपको डे वीक मंथ डिस्टेंस टाइम जेंडर सेक्स इन सब चीजों का डेफिनेशन दिया जाएगा इतना खतरनाक लॉ गए मतलब वो लॉ पढ़ते पढ़ते तो आपको मजाक मतलब आप सिलेबस की बुक खोल के देखो तो आप हंसना शुरू कर दोगे ऐसी ऐसी चीजों के उसके अंदर डेफिनेशन है गवर्नमेंट मतलब क्या मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ये सब उसके अंदर लिखा हुआ है है आंसर तो इसको दिया जाता जनरल एक्ट में ये सभी लॉज के लिए ये चीज को मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा ये सभी लॉज के लिए किसी स्पेसिफिक लॉ के लिए ना ना मुन्ना ना ये सभी लॉज के लिए इंडिया में जितने भी लॉज बनेंगे उनमें कोई इनमें से कॉमन वर्ड यूज होता है तो ये उन लॉज के लिए सभी लॉज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा क्लियर है जनरल क्लॉजेस एक्ट इंडिया के डेफिनेशन का एक कॉमन वर्ड और कॉमन टर्म्स का एक झुंड दिया गया है जनरल क्लॉजेस एक्ट में यह है कॉमन वर्ड्स के लिए फिर आते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक व्हाट ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट ये एक स्पेसिफिक टर्म है इसका मतलब क्या होगा उसके बाद में और स्पेसिफिक टर्म कंपनी का मतलब क्या होगा कंपनी इज अ स्पेसिफिक टर्म एलएलपी का मतलब क्या होगा लिमिटेड लाइब्रेलिटी पार्टनरशिप मतलब क्या होगा डायरेक्टर का मतलब क्या होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होगा सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होगा ओपीसी का मतलब क्या होगा प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होगा यह स्पेसिफिक वर्ड है इन स्पेसिफिक वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है इन दैट स्पेसिफिक लॉ

नॉर्मली सेक्शन टू में होता है ये मानता हूं पर हर बार नहीं इसको नॉर्मली करके ही लिखना बच्चों आइडिया क्लियर है ये होता है डेफिनेशन इसके ऊपर से मैं कोई बहुत जबरदस्त चीज याद आई है जबरदस्त चीज वो मैं आपको थोड़ी सी समझा दू ठीक है दो मिनट के लिए पूछता हूं बताना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर कौन सा है बच्चों बोलो एक बार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर 1949 आपको बताया नाइनटीन फोर्टी ईयर में खास बात क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर है 1949 बराबर फोर्टी नाइन ईयर की एक और खास बात है और ये तुमको पता ही होनी चाहिए को सबको पता होनी चाहिए हाँ हालांकि जो सी एस वगैरह कर रहे हो उनको नहीं पता रही तो भी चल जाएगा सीएम कर रहे हो उनको नहीं पता रही तो भी चल जाएगा लेकिन सीए के जो नलायक बच्चे हैं उन सबको ये चीज पता होनी चाहिए आपको शायद नहीं पता नाइनटीन फोर्टी नाइन इज ऑफ चार्टर्ड उाइल अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन और आपको शायद नहीं पता चार्ट अकाउंटेंट एक्ट का ईयर यू एन टीए मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है स्पेलिंग अपने बहुत जबरदस्त होतेबल सी ओ यू एन अकाउंटेंट की स्पेलिंग भूल गया मैं ऐसा मेरे साथ कई बार होता है इसको मेरे को माफ कर देना मेरे स्पेलिंग हमेशा मेरे को इंग्लिश के लॉजिक ही समझ में नहीं आते ऐसे खतरनाक उसमें तो पेन भी बंद पड़ गया लो कोई चाइना चाइना नहीं बोलेगा दूसरा ही पेन निकालना पड़ेगा लग रहा है जिंदगी में इसके अंदर भी सेल नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का ईयर भी कौन सा है बच्चों 1949 फोर्टी ईयर है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का यह भी चीज आपने याद रखना है अब यहां पे मेरे को ना इंग्लिश लैंग्वेज में इतना तकलीफ जाता था बचपन में मेरे को समझ ही नहीं थे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जैसे वर्ड ले लो कोड कोड का स्पेलिंग क्या होता है सी ओ डी ई ठीक है लोन लोन भी कोड जैसा ही प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग क्या होगा एल ओ ए एन कंसर ऐसा क्यों अच्छा साइकोलॉजी साइकोलॉजी का स्पेलिंग ऐसे शुरू होता है पी से पसाइकोलॉजी कहना चाहिए उसको पर कहते नहीं है लोग ठीक है ये भी नहीं चल रहा मतलब आज क्या चल क्या रहा है चल रहा है <laughs> <laughs> मम्मी यू यू एन टीएन टी एस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट ईयर कौन सा चाइना चाइना नहीं बोलेगा देखो लगे कमेंट के अंदर सब बिड़ गए अच्छा इतना ही कमेंट के अंदर रहा गया मुझे एक सवाल का जवाब देना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का ईयर है, है और आपने शायद सुना होगा कि हमारा सीए डे जो मनाया जाता है सीए डे ये सीए डे मनाया जाता है एर्स्ट जुलाई को फर्स्ट जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है पता है पता आपको इस दिन डॉक्टर डे भी मनाया जाता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंजीनियर्स डे भी इसी दिन मनाया जाता है क्यों फर्स्ट डे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि फर्स्ट जुलाई नाइन को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अपलीकेबल होना शुरू हुआ था मैंने फाउंडेशन के अंदर यह चीज बताई थी बच्चों को ऑलरेडी अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट नाइनटीन में बना अब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोगों ने फाउंडेशन मेरे से नहीं उनको बहुत बड़ा सवाल है तो पता होना चाहिए। के बच्चों को, CS और वालों को और में वालों टेंशन नहीं है, है? है बट फिर भी भी आप आप सुन लो आप, आपके ईयर डिसाइड कर सकते हो, ठीक मेरा एक बहुत बड़ा सवाल कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ तभी तो पार्लियामेंट बनेगा।, बनेगा, तो बनेगा।, बनेगा, तो बनेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं है तो पार्लियामेंट बनेगा कहां से और पार्लियामेंट बनेगा तो लॉ बनेगा पार्लियामेंट होगा तो लॉ बनेगा क्योंकि हमने पूरा लॉ पास होने का प्रोसेस देखा है तो मेरा सवाल है 1947 से लेकर 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था तो पार्लियामेंट नहीं था पार्लियामेंट नहीं था तो लॉ नहीं था तो मेरा सवाल है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया 1949 में कौन आया था जो इसको बना के चला गया? ब्रिटिशर्स मत बोलना वो 47 में ही छोड़ के चले गए थे 49 में में लॉ हमारे लिए किसने बनाया जो समझा दे मैं उसको मान जाऊ जिंदगी में मैंने जिन लोगों को फाउंडेशन में आंसर दिए नालायक लोगों वो फटाफट फटाफट यहाँ पे आंसर दिए जा रहे हैं शानदार तूफान अगर फाउंडेशन की चीज आपको याद है और किसी को अगर नहीं पता तो कमेंट्स में पढ़ लीजिए सब बच्चों ने बोल के रखा है 1947 से लेकर 1950s तक हमने एक चीज का गठन किया था उस चीज को कहा जाता था प्रोविजनल असेंबली उस चीज को कहा जाता है प्रोविजनल असेंबली और ये प्रोविजनल असेंबली मतलब प्रोविजनल पार्लियामेंट था जिसके अंदर हमने फ्रीडम फाइटर्स को बिठाया था इंडिया के तमाम फ्रीडम फाइटर्स 1947 के बाद में हमने इसको बैठा क्योंकि 47 के बाद इंडिपेंडेंस मिलने का तो उनको कोई काम ही नहीं बचा था। फ्रीडम तो मिल गया आप काम क्या करेंगे <laughs> तो हमने इनको प्रोविजनल असेंबली में बिठा दिया उसमें से मैक्सिमम लोग पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गए और उनको भी एक अच्छा इंडिया को चलाने का मौका मिला ऑब्वियसली उनका हक भी बनता था क्योंकि उन्होंने तो आजादी के लिए झगड़े थे तो उन्हीं को हमने प्रोविजनल असेंबली में बिठाया उसी के बाद कुछ लोग पॉलिटिक्स में एंटर हो गए इलेक्शन में चुने गए बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर चुने गए तो ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्लियामेंट की घटना हुई तो आपको प्राउड फील होना चाहिए सीए के बच्चों को प्राउड फील होना चाहिए सीए के सभी बच्चों को कि भैया हम लोगों को फ्रीडम फाइटर्स ने राइट दिया है फ्रीडम फाइटर्स ने

आपने कमेंट में बताना कि आपको पता था या नहीं पता था ये चीज को याद रखना फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1949 क्लियर है और प्रोविजनल असेंबली में हमने ये लॉ को अप्लीकेबल किया था फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू ये मेरे को बैंकिंग रेगुलेशन 1949 से याद है इसलिए बोल दिया वैसे एक और खास बात बोलू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वो लोगो है वो पंची वाला याद है? कबूतर नहीं है नालायक को कबूतर नहीं है कबूतर लिखेंगे अब कुछ लोग मेरे को मालूम है जिंदगी में कबूतर लिखेंगे चिड़िया लिखेंगे मैना लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे शर्म करो जिंदगी में सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का वो जो लोगो है कबूतर वाला नहीं है वो लोगो है ईगल का यह ऐशह सुपतेशु जागृति उस लोग के नीचे एक वृद्ध वाक्य होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का एक वृद्ध वाक्य होता है यह एशह सुप्तरिशु जागृति व्हाट डू यू मीन बाय यह बाई यहप्तरिशु जागृति ये सब लोग जब सोते हैं तो ये जागते रहता है ये अगर सोया भी है तो ये विजिलेंट है ये हमेशा देखते रहता है नींद में भी ये देखते रहता है हमारी हालत तो ऐसी ही होती है हाँ है ना सीएस की इतने हम विजिलेंट है इट शोज दैट हम कितने विजिलेंट है कितना फोकस है कि भैया आपको लग रहा है हम सो रहे पर हम सो नहीं रहे हम देख रहे हैं क्लियर है हालांकि स्टूडेंट्स का एकदम अपोजिट सिचुएशन बनता है यह एश जागृति सुप्तेशु किरे स्टूडेंट्स तो जागते हुए दिखते हैं आपको लगेगा स्टूडेंट जाग रहा है पर स्टूडेंट जाग नहीं रहा है स्टूडेंट सो रहा है क्लियर है कांसेप्ट हां ना बराबर एकदम सही बोला होगा मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सोते हुए भी जागता है स्टूडेंट जागते हुए भी सो सकता है टैलेंट है भाई जिंदगी में याद रखना और वो जो लोगो है इंडिया का जो अपना आईसीएआई का लोगो है वो बनाया था एक लोगो बनाने वाले इंसान ने जिसने दुनिया के 300 से 400 सौ बनाए हैं अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और अलग अलग ऐसे ही अरबिंदो इफ आई और शायद किया है ठीक है ये चीज को आपने याद रखना सीएमए इंस्टीट्यूट का तो वो नंदादीप वाला जो नंदादीप रहता है ना समय वाला वो लोगो है अच्छे अच्छे लोग है ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना क्लियर है सो थोड़ा सा ज्ञान मैंने आपको पेल दिया इन in इंस्टीट्यूट के बारे में इसको थोड़ा सा याद रखना वापस आते हैं डेफिनेशन डेफिनेशन पे तो मुझे फटाफट बताइए मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग बताना जरूरी है उसके अंदर कुछ वर्ड्स कॉमन वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कॉमन वर्ड में जनरल में है स्पेसिफिक उस लॉ में दिए जाते हैं नॉर्मली कौन से टू में क्लियर है लेकिन नॉर्मली ये हर बार सेक्शन टू में होना जरूरी है क्या नहीं बैंकिंग रेगुलेशन में सेक्शन फाइव में आईबीसी में सेक्शन फाइव में है और ये फ्यूचर में आपको आने वाले है। देखो बेटा मैं आपको अभी से ऐसे पढ़ा रहा हूं कि जब आप सीए फाइनल पे जाओ तो आपको तकलीफ ना हो ठीक है तो सेंस है क्योंकि आर्टिकल करना है उसके बाद में आपको सीए फाइनल करना है तो यह चीज को याद रखना थोड़ा हम स्लो जा रहे हैं बोल सकते हो या थोड़ा कंटेंट में आपको ज्यादा पर याद रखना इतना कंटेंट आपको काम में आएगा जो फाउंडेशन से मेरे पास उनको ऑलरेडी पता है कि कंटेंट किस लेवल का होना चाहिए ठीक है कंटेंट के बेसिस पे ही आप पास हो गए ये चीज को याद रखना अब ये जो दोनों टाइप के डेफिनेशन है बच्चों दोनों टाइप की डेफिनेशन है इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना ये दोनों टाइप की डेफिनेशन को फर्दर और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है डेफिनेशन को और दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कॉमनली डेफिनेशन एज पर ड्राफ्टिंग एंड डेफिनेशन एज पर कवरेज अब ये थोड़ा सा ज्यादा होगा मेरे को मालूम है थोड़ा सा ज्यादा होगा ये आपको हेवी होगा आई एम वार्निंग यू ये आपको हेवी होगा फिर मत बोलना सर समझ में नहीं आया आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करके इसमें जाना पड़ेगा क्लियर है बहुत अच्छे से मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं ये हेवी होगा पर अच्छे से समझना इतना चीरफाड़ किसी ने नहीं किया होगा इतना चीरफाड़ किसी ने नहीं किया होगा डेफिनेशन में याद रखना ड्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन है बच्चों वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन ड्राफ्टिंग की जो डेफिनेशन है दो पार्ट में डिवाइड होती है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन एंड दूसरी जो ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन दूसरे पार्ट में डिवाइड होती है सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन डू यू मीन बाय एक्ट बेस्ड डेफिनेशन जो डेफिनेशन पूरे एक्ट में अप्लीकेबल की जाएगी ड्राफ्टिंग के बेसिस पे वोल एक्ट में जो डेफिनेशन यूज की जाएगी उसे हम एक्ट बेस्ड डेफिनेशन कहते हैं जैसे मैंने वर्ड यूज किया डायरेक्टर डायरेक्टर वर्ड पूरे कंपनीज एक्ट में यूज होगा थ्रू आउट या मैंने word use company। वर्ड यूज किया कंपनी कंपनी वर्ड ये पूरे कंपनीज एक्ट में यूज होगा थ्रू आउट तो कंपनी का डेफिनेशन दिया है टू सबसेक्शन ट्वेंटी में यह है एक्ट बेस्ड डेफिनेशन पूरे एक्ट में यूज होने वाला लेकिन कुछ डेफिनेशन होती है सेक्शन बेस्ड जैसे किसी सेक्शन के अंदर किसी टर्म का मीनिंग लिखना है जैसे किसी सेक्शन में लिख दिया कि प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट एंड ट्रीज अब प्लांट एंड मशीनरी में प्लांट का मतलब है फैक्ट्री प्लांट एंड ट्रीज में प्लांट का मतलब है पेड़ पौधे तो सेक्शन बेस्ड डेफिनेशन नॉर्मली एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती है एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती है सेक्शन खत्म होने के बाद केंद्र सेक्शन

ठीक है और कमेंट के अंदर कमेंट करना बंद कर दीजिए किसी ने भी क्वेरी पूछा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा पहले मुझे बताओ जो जो ज्ञान पहल रहा हूं मैं एक बच्चे लाइव है एक बच्चे लाइव है क्या ये समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं बच्चों फटाफट -फड़ बताइए प्लीज ऐसा तो नहीं हो रहा सिर के ऊपर से जा रहा है बच्चों क्योंकि आप मेरे चेहरे के सामने रहता तो चेहरा देख के पढ़ लेता था, था कि क्या एक्सप्रेशन है जरूर समझ में आ रहा है चलो बहुत बढ़िया अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है लगे रहना ठीक है क्योंकि यह चीज बहुत जरूरी है हाँ, एक बार वापस रिपीट कर दू तेजस में डोंट वरी समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है सो हम कहा थे डेफिनेशन में दो कॉमन वर्ड जनरल क्लॉज एक्ट में लिखे है जैसे डे वीक मंथ डिस्टेंस एक्सेट्रा स्पेसिफिक वर्ड लॉ में अंदर लिखे होते हैं क्लियर है स्पेसिफिक लॉ में नॉर्मली सेक्शन टू में अब ये जो दो टाइप के डेफिनेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है एक है ड्राफ्टिंग और दूसरी है मतलब पूरे लॉ में एक ही यूज़ हो रहा है। जैसे word, पूरे एक्ट तो के लिए एक ही वर्ड और अगर कोई सेक्शन बेस्ड वर्ड है जो सिर्फ सेक्शन में यूज हो रहा है यूज हो रहा है तो उसको हम सेक्शन के एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं क्लियर है बस इसको आपको थोड़ा सा याद रखना ठीक है फिर दूसरा आता है बच्चों कवरेज बेस्ड डेफिनेशन कौन सा बेस डेफिनेशन कवरेज अब ये कतई जहर है इसको बड़े अच्छे से ध्यान देना मैं कलर यहां पे चेंज कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है कवरेज बेस्ड डेफिनेशन को बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव और दूसरा है कवरेज बेस्ड डेफिनेशन इंक्लूसिव आई गेस बहुत सारे लोगों को पता होगा सुना होगा नहीं सुना तो बहुत अच्छे से ध्यान देना कोई आपको ये बोलने नहीं वाला कि इधर से भी -E -E की क्लास कर लो पर ये बेस लेके जाओगे ना कोई तोड़ नहीं सकता उल्टा ये हो सकता है कि आप इसके अंदर काफी अच्छे क्वेरीज क्रिएट करो कंसेप्चुअली सो so, एग्जॉस्टिव ये एक पार्ट होता है और इंक्लूसिव ये पार्ट होता है ये दो टाइप के डेफिनेशन होते हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दू बेट करना डबल ट्रिपल अब मैं आपके लिए चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मेरे नोट्स खोलता फाउंडेशन के एक मिनट के लिए नोट्स खोलूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स दिखाना चाहता हूं आपको पर मैं सीए फाउंडेशन के मेरे कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स सिर्फ इसलिए खोलना चाहूंगा कि आपको दिखाने के लिए कि कि गया जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं, के है। के के नहीं के है। मतलब आपने कैसे डेफिनेशन पढ़े थे फाउंडेशन में ये मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं बाकी और कोई मकसद नहीं है आपने ऑलरेडी पढ़ लिए है ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से आपकी मैं जानबूझे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन निकाल रहा हूं आपके लिए सो दैट आपको समझ में आए कि भैया डेफिनेशन किस तरीके से दी जाती है ठीक है आ जाइए ठीक है अब अगर आप देखो तो इन डेफिनेशन में स्ट्रेट वर्डिंग आते हैं वेन वन पर्सन सिग्नीफाइज टू अनदर प्रपोजल का डेफिनेशन है टू ए वाला

और उसके ऊपर आपको हामी चाहिए तो ये प्रपोजल हुआ मैंने विलिंगनेस दिखाया आपको पढ़ाने का मैं मैं जितने भी बच्चे लाइव है एक कि ये इसके ऊपर हां बोले तो मैंने क्लियर डेफिनेशन रखा है कि मैंने विलिंगनेस दिखाया आपने हां बोला बोल रहा हूं अब देखो इसमें प्रपोजल का कोई और मतलब नहीं निकल सकता

दिया है प्रपोजल आपकी मुझे इसके ऊपर हामी चाहिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं आप उसके ऊपर हामी भरिए आप उसके ऊपर यस बोलिए प्रपोजल है अब इस सेंटेंस का और कोई मीनिंग नहीं निकल सकता इसे हम प्रपोजल कहते हैं क्लियर है सो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बड़े अच्छे से याद रखना मैं वापस जा रहा हूं अपने सिचुएशन के ऊपर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के लिए अगर मैं आपको वापस से किधर गया ना माय मिस्टेक ओके एग्जॉस्टिव डेफिनेशन के लिए अगर मैं आपको वापस से एक और छोटा सा एग्जाम्पल दू एक और छोटा सा एग्जाम्पल दू ठीक है समझाने के हिसाब से आई गेस यहां तक तो समझ में आ रहा होगा और एक बार हाँ गुड्स की डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव है अगर आप सेलॉक की डेफिनेशन देखो तो वो भी एग्जॉस्टिव है चलो एक डेफिनेशन अपन खुद क्रिएट कर लेते हैं मेरा एक सवाल है दूध और अंडे मिल्क एंड एग्स मिल्क एंड एग्स दूध और एंडे

अरे बोलो सो गया क्या वेज है या नॉन वेज है एक नॉन वेज है कुछ लोग वेज बोल रहे हैं <laughs> चलो गुड जो भी होगा मेरे को इससे कोई लेन नहीं वेज है नॉन वेज आप खा सकते हो तो खाओ नहीं खा सकते हो तो कोई बात नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है अब मैं आपको डेफिनेशन बोलना चाहूंगा कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कैसे होता है ठीक है थोड़ा शांति से और थोड़ा प्यार से थोड़ा आराम से मैं अगर वेज की डेफिनेशन बना रहा हूं हम डेफिनेशन किसकी बना रहे हैं वेज की और मैं वेज की डेफिनेशन बना रहा हूं और मैं ऐसे लिखता हूं वेज मीन्स वेज मीन्स फ्रूट्स रूट्स लीव्स स्टेम और एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर बेली को क्रीपर ही कहा जाता है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्रीपर मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं था मेरे को बताना कमेंट्स में क्रीपर ही कहा जाता है या क्लाइंबर सो so, मैंने डेफिनेशन बना दी वेज मीन फ्रूट फ्रूट लीव स्म एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री और क्रीपर इसे मैं वेज बोल रहा हूं बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया सर मिल्क वेज है एग नॉन वेज है जो भी तुम्हारा जो भी सद्भावना रहेगी उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं मैं यहां डेफिनेशन बता रहा हूं वेज ऑफ फ्रूट और ट्री और क्रिपर ठीक है यहां मैंने देखो वर्ड यूज किया मींस और मैंने क्या बोला कि भैया अगर कोई फ्रूट है कोई रूट है कोई लीव है कोई स्टेम है या प्लांट या ट्री या बेली का क्रिपर का कोई भी पार्ट है वो वेज है मतलब झाड़ झाड़ों से रिलेटेड कोई भी पौधे या कोई भी बेली इनसे रिलेटेड कोई भी पार्ट हो तो उसे हम वेज कहते हैं ये मेरे डेफिनेशन बनाया अब मुझे इस चीज का जवाब देना इस चीज का जवाब देना इस डेफिनेशन के हिसाब से इस डेफिनेशन के हिसाब से बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन एक सिंपल सवाल है इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मिल्क और एग्स वेज में गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे इस सिर्फ इस डेफिनेशन के हिसाब से यही अगर वेज का डेफिनेशन है तो क्या मिल्क और एग्स वेज का पार्ट है या नहीं है मुझे एक बार जवाब देना कमेंट्स में बताइए क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स वेज का पार्ट है फटाफट बताइए मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं था बेटा मैं तो हिंदी मीडियम से था सो so, क्या है का पार्ट है नहीं सब जन नहीं बोल रहे शानदार तूफान तुमको डेफिनेशन समझ में आ गई क्योंकि देखो मिल्क और एग्स ये इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं हो सकते क्योंकि फ्रूट रूट लीव स्टेम्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री कवर्ड है इसके अंदर सिर्फ मुझे बताओ दूध ये झाड़ का पार्ट है झाड़ दूध देता है नी ची ची जी, कै कैसी चीजें कर रहे हो झाड़ के ऊपर अंडे लगते हैं ऐसा हो गया कि पहले फूल आया और फिर फूल कन्वर्ट हो गया फल में और वो फल निकला अंडा और कुछ दिनों बाद उसमें से एक चूजा बाहर निकला मुर्गी का ऐसा होता है नहा ये कभी नहीं होता क्लियर है कैंसर तो दूध झाड़ दूध नहीं देता और झाड़ के ऊपर अंडे भी नहीं लगते तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क और एग्स ये भेज का पार्ट नहीं है कंसर समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं मीन्स जैसे वर्ड में यूज करता हूं या मैं कोई वर्ड यूज नहीं करता तो उसके बाद में जो कंटेंट आता है ब्रैकेट में मीन्स के बाद जो भी कंटेंट आएगा पूरा ये कंटेंट ही वेज माना जाएगा इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एग्जॉस्टिव मतलब कि भाई इतना ही है बस इतना ही है डेफिनेशन में फ्रूट्स रूट लीव टेम्स एनी पार्ट ऑफ प्लांट और ट्री बस इतना ही है बस

समझ में आया क्या बताओ जल्दी जबरदस्त सबको समझ में आया तो हम खुश है जिंदगी के अंदर 110 बच्चों के 110 बच्चों को समझ में आना चाहिए अपन क्या बोल रहे हैं जिंदगी में ठीक है चलो ये समझ में आया अगर तुमको एग्जॉस्टिव समझ में आया तो इंक्लूसिव कोई बड़ी बात नहीं है इंक्लूसिव एकदम सिंपल है चलो अब मैं अगर ऐसा कहता हूं कि वेज इंक्लूज जबरदस्त सबको समझ में आया राम उमंग ईशा तेजस मगर अंशु आकाश के तन, जी नल, बहुत बढ़िया सबको समझ में आया बहुत बढ़िया अब अगर मैं लिखता हूं वेज इंक्लूड्स देखो वर्ड मैंने क्या यूज किया है इंक्लूड्स वर्ड क्या यूज किया है इंक्लूड्स और इसके बाद में मैं पूरा डिफिनेशन नहीं लिखता सिर्फ मैं क्या लिखता हूं वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स जैन लोगों को मैं ऑलरेडी सॉरी बोल दू जैन लोग वेरी सॉरी मेरे को इंक्लूड करना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए आई एम वेरी सॉरी जैन है बताइए मुझे एक बार so, अगर मैं लिखता हूँ, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने क्या लिखा वेज एग्स वेज में भी आते हैं अब इंक्लूड वर्ड हम कब यूज करते हैं सिंपल सी बात है तुम एक लोग हो 110 लोग हो जो इस लाइव लेक्चर को देख रहे हो तो मैं तुमको क्लास बोल सकता हूं यू आर माई क्लास माइ क्लास मीन लाइव माइ क्लास मीन लाइव माई क्लास मींस दोज आर लाइव माई क्लास मींस आर लाइव कह रहे जो लाइव है अभी इस वक्त वो मेरा क्लास है बराबर है बराबर है पर आगे जो देखेंगे ये लेक्चर अपलोड होगा फिर अपलोड होने के बाद जो लोग देखेंगे वो भी तो मेरा क्लास है तो मैंने क्या लिखा माई क्लास मींस दोज आर लाइव जितने भी 110 बच्चे लाइव है वो मेरा क्लास है वो मीन्स में आया माई क्लास मीन्स दोज आर लाइव ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हुआ जो अभी लाइव है वो मेरा क्लास है बराबर? जो अभी, अभी live है वो मेरा क्लास है जो अभी मुझे देख रहे है, वो मेरा class है। ये ये हुआ, पर अगर मैंने इसके addition में बोल दिया, लेक्चर अभी नहीं है अभी नहीं है पर अगर आगे कोई मेरा लेक्चर देखेगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा मेरे क्लास में और मुझे एक बात बताओ जब मैं ये कहूंगा माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्स अगर मैंने ये बोला माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्चर तो इसका मतलब क्या ये है कि जो लाइव देख रहे हैं अभी मेरे क्लास को वो मेरे क्लास का पार्ट नहीं है जरा बताइए मुझे अगर मैंने बोला माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्चर जो फ्यूचर में लेक्चर देखेंगे वो इंक्लूड है तो क्या इसका मतलब ये है जो अभी देख रहे हैं वो मेरा क्लास नहीं है जो अभी देख रहे वो तो क्लास है ही जो अभी देख रहे वो तो क्लास है ही जो अभी 110 116 लोग लगे पड़े हैं वो तो क्लास है ही पर मैं इंक्लूड कर रहा हूं मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आगे जो मेरा क्लास देखेंगे वो भी मेरा क्लास है बस वैसा ही डेफिनेशन है माय क्लास मींस हु आर लाइव जितने लोग लाइव है एक सौ लोग लाइव है वो है मेरा क्लास है पर मैंने आगे क्या बोला माई क्लास इंक्लूड्स माई क्लास इंक्लूड दो वॉच माई लेक्चर अब जब मैंने बोला माय क्लास इंक्लूड्स दोज हु विल वॉच द लेक्चर जो अभी लाइव है वो क्या क्लास नहीं वो तो है वो भी तो क्लास है वो भी तो क्लास है ये होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन तो जब मैं ये कहता हूं वेज इंक्लूड्स एग्स तो क्या इंक्लूड्स वेज इंक्लूड्स मिलकेनेस के हिसाब से वेज में सर मिल्क और एग्स आएंगे क्या वेज का मतलब सिर्फ दूध और अंडे ही है ना जब मैं कहता हूं वेज इंक्लूड्स मिल्क एंड एग्स इसका मतलब है कि बच्चे एक्सटेंड तो कर करना चाहते हैं मिल्क और एग्स ग्रे एरिया है देखो बहुत सारे लोगों ने इसको वेज बोला था बहुत सारे लोगों ने इसको नॉन वेज बोला ये ग्रे एरिया है ना ये व्हाइट है ना है ब्लैक है तो जब आप किसी ग्रे एरिया को इंक्लूड करते हो जो बच्चे मेरा आगे क्लास देखेंगे वो ग्रे एरिया है पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे पर मुझे उनको क्लास में इंक्लूड करना है तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा इंक्लूड्स तो जब मैं वर्ड यूज करता हूं बच्चों इंक्लूड जब मैं वर्ड यूज करता हूं बच्चों इंक्लूड्स उसके दो मतलब निकलते हैं एक होता है अजम्पन अज्यूम एक होता है अजम्शन जिसमें मैं अज्यूम करता हूं जिसमें मैंने ये डेफिनेशन पूरी अज्यूम कर ली बच्चों

इतना क्रिस्टल क्लियर डायमंड क्लियर होना चाहिए तो तुमने पढ़ा है तुमने कुछ नहीं पढ़ा फिर तुम ये मत बोलना कि तुमने लॉ पढ़ा यह छोड़ के लॉ पढ़ा नहीं जा सकता मैं तो नहीं पढ़ा सकता क्राइम हो जाएगा मेरे से तो ऐसा ही पढ़ना है इतना क्रिस्टल क्लियर क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊंगा आगे के कुछ डेफिनेशन दिखाऊंगा जिसमें मीन इंक्लूड सब वर्ड यूज होते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अगले चार पास लेक्चर में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे सर क्या पढ़ा रहे हो एक में इक्लूड लिखा है एक में इंक्लूड लिखा है अगर मैं आपको मीन और इंक्लूड आज ना बताऊ ना अगले चार लेक्चर में तुम्हारी हालत खराब होगी किसी और का भी क्लास कर लो तो भी होगी पता ही नहीं रहेगा मीन और इंक्लूड का मतलब क्या है अब समझ में आया होगा तो एक बार लाइक ठोकीय लेक्चर के ऊपर लाइक ठोकीय और कमेंट्स में बताइए समझ में आया क्या एग्जॉस्टिव इज इजम ब्रैकेट द कवरेज रिपीट करता हूं एग्जॉस्टिव मतलब ब्रैकेट करो जितना ब्रैकेट में बोला है उतना ही इंक्लूड्स मतलब जो अज्यूमड है वो तो है ही जो अज्यूम्ड है वो तो है ही ऊपर से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं ग्रे एरिया नॉर्मली अ ग्रे एरिया मिलकेनिक्स इज अ ग्रे एरिया कंसेप्ट समझ में ना ब्लैक है ना व्हाइट कर रहे हैं ग्रे एरिया समझ में आ रहा है तो अगर समझ में आया क्रिस्टल क्लियर डायमंड क्लियर समझ में आया तो बच्चों लाइक ठोकिए प्लीज और इसको लिख लीजिए ये आपके काम में आएगा डेफिनेशन तो डेफिनेशन मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन के कितने पार्ट होते इतना डिटेल तुमको डेफिनेशन कोई नहीं बोलेगा

कॉम्बो लेक्चर्स पे डिस्काउंट अवेलेबल है बेटा अनुजा थैंक यू सो मच गाइज जितने लोगों ने रिप्लाई किया डायमंड क्लियर क्रिस्टल क्लियर जबरदस्त जिंदाबाद कर दिया हां बेटा मेगर जो कॉमन वर्ड्स भी होते हैं वो भी एक्ट बेस और सेक्शन बेस अलग अलग होते हैं और ड्राफ्टिंग और कवरेज के हिसाब से अलग अलग होते हैं जनरल क्लॉजे एक्ट में आप हम इसको देखेंगे मेगर डीकेजी ग्रुप अभी से ना लिए पहले ग्रुप वन खत्म कर लीजिए उमंग बेटा फिर ग्रुप टू लेना सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ के ही लेक्चर से बेटा राम ये लॉ इसके ही लेक्चर्स है ऋषि बेटा ये चीजें मॉड्यूल में नहीं लिखी जाती ऋषि सिंह आपको पढ़ाते वक्त ही क्लियर करवानी चाहिए इंस्टीट्यूट जनरल टर्म्स मॉड्यूल में नहीं देती ये सब जनरलाइज चीजें हैं जो लॉ पढ़ने के पहले शुरू करनी चाहिए बेटा यस पेनड्राइव अपलीकेबल अनुजा फॉर नवंबर ट्वेंटी सब्जेक्ट टू पहला लेक्चर देखो जिसमें मैंने बोला है दस सितंबर को अमेंडमेंट आपको देखना पड़ेगा अभिषेक सिंह क्या लिख रहे हो बेटा मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा हाँ बेटा लॉ ले सकते हो सिर्फ बीस मार्च से कोई दिक्कत नहीं पर आप बाकी भी सब्जेक्ट ट्राई करो विजय सर जय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यू कैन डू हैव देम बहुत अच्छे से कॉस्टिंग के लिए दर्शन चंडालिया सर है और अच्छा पढ़ाते उनके डेमोज दिखे हिमांशु आपको अच्छा लगेगा यस yes बेटा सीएस एस एग्जीक्यूटिव के टॉपिक सब पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे राम रोज दस बजे क्लास होती है बेटा अभिषेक थर्टी फर्स्ट फर्स्ट को नहीं है सिर्फ थैंक्स हर्ष हाँ बेटा कल बुक प्रिंटिंग में गई है दो तारीख तक आएगी उसके बाद शिपिंग शुरू होगा जैसमिन इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पास हो जाओगे तो बिंदास आप लेक्चर ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं स्क्रीनशॉट खींचते रहिए बच्चों साथ साथ में सो so, अगर किसी का रह भी गया तो 110 बच्चे सबके लिए तो एडजस्टमेंट एक साथ नहीं हो पाएगा ना थैंक्स हिमांशु बेटा मेरी सिर्फ लॉ की क्लास नहीं है बेटा थर्टी फर्स्ट एंड फर्स्ट को बाकी सब्जेक्ट का प्लीज आप उन टीचर से पूछिएगा जो क्लास ले रहे हैं अंकित यादव इस बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है बेटा आप इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हो भास्कर <laughs> मुझे भी थैंक यू सो मच हर्ष फाइनल पे मिलो इससे भी ज्यादा एनर्जी मिला बेटा हर्ष क्योंकि कंटेंट डिलीवरी बढ़ जाता है कंसेप्ट भी बढ़ जाते हैं तो करना पड़ता है और पसंद भी है मुझे सो आई डू इट सी के लिए अनुजा उजा मैं इस बार अवेलेबल करवाने वाला हूँ और ऐसा नहीं बेटा लॉ लॉ होता है अनुजा अब आप सीए के लिए पढ़ो या सीएस के लिए पढ़ो कंपनीज एक्ट तो चेंज नहीं होने वाला ठीक है सो जिनको भी ये लगता है सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे के लेक्चर सीएस के लिए काम के नहीं है तो मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ गारंटी दे देता हूँ कि आप इतना कंटेंट जो सी एस एक्सिक्यूटिव में है मैंने खुद ने सीएस किया है अनुजा मैं सीए हूं और सीएस हूँ तो मैं दर्द समझता हूँ सीएस वालों का और सीएम वालों का भी सीए में मेरा रह गया गलती से बट ऐसा नहीं होता लॉ है कंपनीज एक्ट है कंपनीज एक्ट सीए में भी सेम होगा सीएस में भी सेम होगा उल्टा डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स आप कहीं पे भी देख लो कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा दैट आई कैन से नाउ इट्स योर चॉइस मैं आप, आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता बट हाँ आप लेक्चर लोगे तो इट्स माई अश्योरिटी कि आप नाराज नहीं होंगे उल्टा खुशी होंगे आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे ठीक है ये मैं जरूर आपको बोलूंगा सिर्फ इतना है कि सीए में बहुत सालों से पढ़ाते आ रहा हूं तो वो थोड़ा टोन ऑफ लैंग्वेज में कई बार सीए निकलता है बट ऐसा नहीं है आ, कहने की बात अलग होती है दिल से जो मैं मानता हूं तीनों लेवल को मैं इक्वली मानता हूँ सी ए सी वालों को मेहनत तो तीनों में करनी है पास तो तीनों में होना है सो so, आप बिल्कुल ले सकते हो चलो थैंक यू सो मच हर्ष डन एवरीबडी हो गया हो तो मुझे एक बार कमेंट में डाल देना हमें आगे बढ़ना है 10-15 मिनट और बाकी है हमारे थैंक यू सो मच ऋषि सिंह विजय माला जैसे और भी डबल रोल है अब इस बार इंटर में इंटर में भी हम डबल ट्रिपल रोल लेके आ रहे हैं सीए फाइनल पे तो हमने सात कैरेक्टर खड़े किए हैं रेगुलर बैच में ऐसे ही इंटर पे मैं ट्राई करूंगा इस बार अच्छे खासे डबल रोल ट्रिपल रोल करूं जिससे कंसेप्ट समझाने में काफी आसानी हो दिल से दर्शन इस पर अभी आना बाकी है बेटा आई होप हो गया होगा सबका लिखना हो गया है बच्चों नहीं बेटा हर्ष मेरे को एक्टिंग में ट्राई है नहीं करना है मैं पढ़ा रहा हूं यही मेरा पैशन है एक्टर मेरे को बनना नहीं है ज्यादा फेम मेरे को चाहिए भी नहीं टीचिंग में जितना मिल रहा है वही संभल नहीं जा रहा मुझसे फेम मैं एक्टिंग में तो क्या ही संभाल लूंगा मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूं चलो डन बिल्कुल होंगे बेटा रेगुलर बैच में जरूर होंगे जितने मैं सकता हूं, के लिए होगा so, हो हो नहीं हुआ होगा तो हो मुझे अगले कंटेंट के ऊपर बढ़ना जरूरी है अब ये हो गया डेफिनेशन अब मुझे मेन जितना कंटेंट बेटा खींच खींच के पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया ठीक है आगे के छोटे छोटे पैरामीटर से उन छोटे छोटे पैरामीटर को फटाफट सुन लीजिएगा तो समझ में आएगा ठीक है इसको तीसरी चीज हो गई डेफिनेशन हम हिस्ट्री देख लिए हम प्रीएम्बल देख लिए अभी हमने डेफिनेशन देख लिए लियान के बाद नेक्स्ट चीज जो आपने लॉ में पढ़नी चाहिए कमेंट करना थोड़ा सा कम करना बच्चों ध्यान देना है कंसेप्ट चीज लॉ में पढ़नी चाहिए वो होते हैं बच्चों चैप्टर्स ना डू मीन बाय चैप्टर्स तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बोल सकता हूं लॉ जितने पार्ट में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं चैप्टर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना अलग अलग चैप्टर्स थे बच्चों पहला चैप्टर था इसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दूसरा चैप्टर था फ्री कंसेंट जिसके अंदर आपको बताया गया था फ्री कंसेंट कोर्स एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन से डेविएट हो सकता है तीसरा चैप्टर था कंसिडरेशन चौथा चैप्टर था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजन कॉन्ट्रैक्ट मतलब नंबर ऑफ चैप्टर ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है पर यह डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर थे चैप्टर्स का मतलब क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शंस टॉकिंग अबाउट वन कंसेप्ट ग्रुप ऑफ सिमिलर सेक्शन जो एक ही कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं उसे हम चैप्टर कहते हैं ठीक है ठेके? ऐसे कंपनीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्वेंटी नाइन चैप्टर्स है जिसमें आपको सीए इंटर लेवल पे दस चैप्टर्स पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट के चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सेक्शन क्शन सेक्शन डिवाइडेड इंटू सब सेक्शन डिवाइडेड इन टू क्लॉज क्लॉज आर फर्दर डिड इन टू सब क्लॉज यह चैप्टर का डिविजन होता है चैप्टर डिवाइडेड इंटू सेक्शन सेक्शन डिवाइड इंटू सबसे और इन सब के ऊपर अगर कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सेप्शन देना है इन सब में कोई क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सेप्शन देना है तो बनाए जाते हैं बच्चों प्रोविजोज आपने कई बार वर्ड सुने होंगे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजोज बनाए जाते हैं आपने कई बार आपके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आप में वर्ड सुने होंगे प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट इज अटार्टिंग ऑफ प्रोविजो पूरा सेक्शन लिख लिया प्रोवाइडेड ये होना चाहिए दैट इज फिर उसके बाद एक और प्रोविजो रहा तो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट रहा है जिंदगी में पहले तो मिट नहीं रहा नहीं तो लिख नहीं रहा लैपटॉप पागल हो गया है मेरा ऐसा लगता है मेरे को कई बार सो so, प्रोवाइडेड

एक्सेप्शन मतलब ये लॉग कहां कहां नहीं लगता एक्सेप्शन भी दो टाइप के होते हैं जैसे डेफिनेशन हम डिवाइड किए थे उसी तरीके से एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन और दूसरा सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन फॉर एग्जाम्पल एक्ट बेस्ड एक्सेप्शन का एग्जाम्पल बताऊं तो एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स अपलीकेबल नहीं होता आपने ऑलरेडी सुना होगा एक्ट बेस एक्सेप्शन रहा एग्रीकल्चर के किसी भी पार्ट को इनकम टैक्स अपलीकेबल नहीं होता भले आप एग्रीकल्चरल लैंड बेचो एग्रीकल्चरल इनकम कमाओ इनकम टैक्स अपल्लेबल नहीं होगा इज अ एक्सेप्शन 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 एक्ट बेस्ड बेस्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले ये था अभी मुझे नहीं पता ऐसा है क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अगर शेयर ट्रेडिंग पे तो पहले वो एग्जाम हुआ करता था ये सेक्शन बेस्ड एक्सेप्शन है स्पेसिफिक सेक्शन का एक्सेप्शन क्लियर ये चीज को याद रखना एक्सेप्शन दो पार्ट में एक्ट बेस्ड और सेक्शन बेस्ड ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर हम जाए होल्ड अगले कंटेंट के ऊपर अगर हम जाए तो अगला कंटेंट आता है दैट इज कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस

एक तो आपको लग सकता है फाइन या आपको लग सकती है पेनॉल्टी या फिर आप जा सकते हो जेल में ठीक है फाइन को आप कई बार डैमेजेस के नाम से भी जान सकते हो डैमेजेस हमेशा जाते हैं एग्रीड पार्टी को एग्रीड पार्टी मतलब जिसको अपने वजह से तकलीफ हुई है हमने गुटखा खाया हमने समझो रस्ते पे थूक दिया उसके ऊपर से कोई फिसल के गिर गया उसने केस कर दिया केस ने जुबा केसरी करके घूम रहा था तो एग्रीड पार्टी हुई जो फिसल के गिर गया उसको डैमेज हुआ एग्रूड पार्टी है तो डैमेजेस जाते हैं पार्टी को पेनॉल्टी जाती है गवर्नमेंट को बहुत सारे बच्चों को पेनॉल्टी और फाइन और डैमेजेस के बीच का डिफरेंस ही नहीं समझ में आता ये चीज को याद रखना फाइन नॉर्मली डैमेजेस में डिवाइड होता है पेनॉल्टी जाती है गवर्नमेंट को और बंदा जाता है जेल में बंदा जाता है जेल में ठीक है यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना यह है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस लेकिन अगर आपको इससे कोई दिक्कत है कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंस से यू आर नॉट लाइकिंग इट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस तो आप लास्ट पार्ट ऑफ लॉ में जाते हो द लास्ट पार्ट ऑफ लॉ जिसे कहा जाता है अपील मतलब आपको ये पसंद नहीं आया कि भैया आपको गवर्नमेंट ने पेनोल्टी लगाई फाइन लगाई डैमेजेस लगाई जेल में डाल दिया पर आपको लगता है आप तो मासूम आपने कुछ किया नहीं है जिंदगी में आपने तो कभी आज तक की चिट्ठी नहीं मारी तो आप क्या करोगे जिंदगी में तो ऐसे केस में इफ यू डोंट टू एक्सेप्ट इट गो फॉर अपील्स अपील्स में आप कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस मांगते हो कोर्ट ऑफ लॉ में आप जस्टिस मांगते हो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ ये दो टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आप अपील कर सकते हो ये खत्म होने के बाद में लॉ में अगर कोई आखिरी पार्ट बचता है एकदम आखिरी होल्ड लॉ में अगर कोई आखिरी पार्ट बचता है तो होते हैं शेड्यूल्स शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है सर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो कुछ लिस्ट देनी होती है कुछ फॉर्मेट्स देने होते हैं जैसे आपने बैलेंस शीट पीएनएल के फॉर्मेट देखे बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट शेड्यूल थ्री टू कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है लिस्ट so है फॉर्मेट है फीस के टेबल देने हैं उसके बाद में कोई एग्जाम्शन वगैरह डिक्लेयर करने हैं जो एक्ट में नहीं लिखे जा सकते लंबी चौड़ी लिस्ट फॉर्मेट्स, एग्जाम्शन, फीस ये हम शेड्यूल्स में देते हैं ये पूरा का पूरा मिलके आपका बनता है ये पूरा चार्ट आपका बनता है कंटेंट ऑफ लॉ ऐसे पढ़ना जरूरी है हमने शुरू किया था हिस्ट्री से हम है हैं शेड्यूल्स पे क्लियर है आई होप सो सबको समझ में आया होगा अगर समझ में आया पसंद आया लाइक ठोकीये कमेंट्स में बताइए आपको क्लियर है क्या मैंने जितनी चीजें बोली और फिर आखिरी के जो तीन चार पार्ट मैंने लिखे हैं चैप्टर से लेके अपील तक के ये भी आप लिख लीजिए चार्ट का टाइप मैंने बोला है फटाफट फटाफट लिखना शुरू कर देना गो फॉर इट फास्ट चैप्टर से आगे लिखना है आपको हेलो था मैं सरचार्ज नहीं देता बेटा मैं गरीब आदमी हूं दिन का सिर्फ सौ रुपए कमाता हूं बेटा मैं सुनी था मैं कहां से सरचार्ज दूंगा मैं तो टैक्स एग्जाम्शन ब्रैकेट के अंदर हूं पूरा इनकम मेरे वाइफ के नाम पे बुक होता है मेरी वाइफ मेरे को दिन का सिर्फ सौ रुपए देती है सच्ची में जो लोगों के बीच में ये अफवाह है कि दर्शन सर सरचार्ज भरते हैं तो मैं आपको बता दूं मैं बहुत गरीब आदमी हूं पूरा इनकम मेरे वाइफ के नाम पे बुक होता है मेरी वाइफ दिन का मेरे को सौ रुपए देती है पैंडेमिक में तो वो भी कम करके पचास ही कर दिया वाइफ बोलते हो तुम घर पे खाना खाते हो घर पे तुमको नाश्ता वगैरह सब मिलता है घर पे तुम सोने आते हो तो तुमको पैसे किस बात के लगते हैं तो वाइफ मेरे को सौ रुपए देती है अभी पेंडेमिक में बाहर भी नहीं जाता तो उसके पचास रुपए वो तो सिर्फ चाय पानी के मिलते पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा मिलता है तो बस इतनी इनकम है मेरी कहां सरचार्ज चार्ज वर चार्ज में तो टैक्स एक्समशन ब्रैकेट में हूँ तुम विजय सर को पूछो वो भी बेटा मैं डेली डेली क्लास क्लास लेता रिवाज रिजवान हम वो तो मेरे को फेक के मारी गई एक दिन मैं घर पे पूछा कर रहा था झाड़ू पोछा कर रहा था मेरे का, और एक टाइल चमकाई मैंने बम टाइल चमकाई तो ऐसे एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ मेरे वाइफ के चेहरे पे सच्ची बोल रहा हूँ ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ मेरे वाइफ के चेहरे पे मेरे वाइफ बोले क्या झाड़ू पोछा करता है बी एमडब्ल्यू रख ले ऐसे करके तो मेरे को बीएमडब्ल्यू मिली वो मेरी भी नहीं है आधा टाइम तो मैं उसको ड्राइवर बना के घूमते रहता हूँ फैमिली को लेके सच्ची ओंकार ओंकार तुम्हारी कसम कई बार तो पेट्रोल का जो खर्चा मिलता है उस खर्चे में से मैं चाय पानी का बंदोबस्त कर लेता हूं साइकिल लेके चला जाता हूं पैदल चला जाता हूं क्योंकि चाय पानी के लिए अलग से पैसा नहीं मिलता ना ऋतिक माने फोर बीएच के अरे भाई मैं फोर बी के में नहीं रहता मैं तो इस रिकॉर्डिंग रूम में रहता हूं दिन भर वो तीन बीएच के तो मेरे घर वालों का है मेरे वाइफ का है मेरे डैड का है मेरे मॉम का है और नीलय का है मेरे को तो इसी रूम में रखते हैं सब जन वो तो खुदा का शुक्र है इस रूम में रखते हैं तो मेरे को लगता था मेरे को वॉचमैन के साथ रखेंगे कुछ दिनों बाद ओंकार नालायक क्लास रह जाएगी अपनी हाँ हाँ वो विशाल भट्टर सर ने भी देखा था फाउंडेशन में नालायक टेक टेक ऐसी बदुआ किसी को नहीं देते आईटी की रेट का मजाक है क्या जिंदगी के अंदर किसी के ऊपर भी थोड़ी ना पड़ेगी और मैं तो क्या मैं एकदम फेयर बंदा हूं अपना सब वाइट में इनका है हता सौ रुपये दिन का दो तीन हजार में तो हो जाता है ये वर्षा लुनावत जी के जो बेटे हैं है, मेरे को उनका नाम नहीं पता है वेरी सॉरी वो बोल रहे बीस हजार स्क्वायर फीट का घर है मेरा पूना में बेटा मेरा अगर बीस हजार स्क्वायर फीट का घर रहता ना तो मैं वहां चिल मार रहा होता यहाँ पढ़ा रहा नहीं होता <laughs> नहीं पढ़ाना तो फैशन है फिर भी पढ़ा रहा होता तो बोल सकते हो दिल का ओनर तो निलय है मैं भी नहीं हूं निलय इज द डायरेक्टर ऑफ दिल दर्शन लिमिटेड का डायरेक्टर है अंशुल बेटा खिलौनों की बीएमडब्ल्यू फेंक के मार सकता हूँ मेरी उतनी ही फिलहाल हैसियत है कि मैं आपको फेंक के मारू <laughs> बड़ी बीएमडब्ल्यू मेरे बस की बात नहीं है मजे मत लो जिंदगी के अंदर सब भिड़ गए कमेंट के अंदर कितने नालायक लोग हैं लिखो पहले चलो डन एवरीबडी लिखना हो गया तो मुझे कमेंट में बताइए फटाफट एवरीवन किसी का रह गया तो कमेंट में इसमें निकल गया है बट दिस इज वेरी बेसिक ठीक है ये चीज को याद रखना आई गेस पौने बारह हो चुके हैं तो आज हम यहां काफी करते अच्छा कल परसों मेरा लेक्चर नहीं है दो तारीख का फिलहाल गारंटी नहीं आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैं शायद ट्रैवलिंग में भी हो सकता हूं तो दो तारीख को मैं बताऊंगा या फिर मेरा मैसेज आएगा पोस्ट आ जाएगा उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना तीन तारीख से तो कंफर्म लेक्चर है दो तारीख का आई विल टेल यू एक तारीख को मैं आपको बताऊंगा कि मेरा लेक्चर होने वाला है नहीं या वी स्मार्ट के इसी चैनल के ऊपर पोस्ट आ जाएगा साथ साथ में दर्शन खरेज लॉजिक्स करके मेरा एक और चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखो हो सकता है वहां पर भी पोस्ट आ जाए ठीक है दर्शन खरेज लॉजिक्स करके आप सर्च करोगे दर्शन खरे वहां पर भी नियरली एक हाद लाख सब्सक्राइबर है एक लाख नौ हजार समथिंग काइंड ऑफ सब्सक्राइबर है तो आप वहां पर भी सब्सक्राइब करके रखो वहां पर भी पोस्ट आ सकता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए ठीक है मेरे तरफ से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं 2021 में ही आपके सभी रिजल्ट्स पास आ जाए ये मेरी दुआ है और अगर आप 2021 में जो एग्जाम दे रहे हो उसके 2022 के भी रिजल्ट्स अभी पास आ जाए ये मेरी दुआ है आपके घर वालों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके जैसे होनहार शानदार बच्चों को उन्होंने पैदा किया है उनके सुख और शांति और हेल्थ के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत दुआ आपका नया साल खुश जाए खुशनुमा जाए 2020 जैसा ना जाए और अगर 2020 अच्छा गया होगा तो उससे भी अच्छा जाए ये मेरी दुआ है मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको गुड विशेष आप हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर दर्शन करे साइनिंग आउट गुड डे गॉड ब्लेस यू केयर